नमस्कार, आप लगातार रोटीन देख रहे हैं और मैं जीतन कुमार हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर आ रहे हैं। इसको लेकर सभी तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर एक शहर के चौक चौराहों पर बीजेपी के झंडे गाड़े गए हैं और एक बड़े बड़े पोस्टर में मोदी की तस्वीर लगी हुई है। इससे देवघर का नज़ारा जो है एक अलग तरीके से दिखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी व्यवस्था पूरी तरह से है, कैसी है, पूरी प्रशासन जो है मुस्तैद है, कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन 12 तारीख को होने वाला, जैसा कि आप लोग को भी पता है कि एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, जो पूरे झारखंड के लिए, संथाल परगना के लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोग के लिए सुविधा बहुत हो चुका है कि हम लोग अगर जैसे कि कोई इमरजेंसी अगर पड़ गया कि अगर यहाँ से बाहर जाना है, मुंबई, बेंगलोर वगैरह, तो फिर हम लोग 2 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे के सफ़र में तय कर लेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे, हम सभी कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं 10-12 दिन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के नेतृत्व में, और उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम सफल होगा। ऐसा है, हमारे देवघर में नरेंद्र मोदी जी पहली बार देवघर आ रहे हैं पूजा करने के लिए। 12वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पर पूजा अपना पूरा करेंगे और पूरा देवघर के लोग पूरी तरह से उत्साही है। एक एक कार्यकर्ता उत्साह में है। आप देख रहे हैं जोर शोर से तैयारी देवघर कॉलेज के प्रांगण में चल रहा है। तकरीबन 1 लाख लोग यहां पर आएंगे और मोदी जी का जो है भाषण सुनेंगे। जोर शोर से हम लोग सारे कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। पहले तो कार्यक्रम है उनका एयरपोर्ट का, वहाँ उद्घाटन है, उसके बाद मंदिर में पूजा है, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है उनका भाषण होगा, कई कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे मोदी जी। देवघर से लगातार रोटीन के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।